बीच एक बड़ी खबर शाइस्ता को लेकर भी मिल रही है, क्योंकि अभी शाइस्ता पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। शाइस्ता कहाँ है ये कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और अभी जो ताजा अपडेट है, जो बड़ी जानकारी है, वो ये है कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है, ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं। प्रयागराज कोर्ट में आज शाइस्ता परवीन का सरेंडर हो सकता है, ऐसी बड़ी खबर मिल रही है, ऐसी बड़ी जानकारी मिल रही है। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि जो अतीक के पुराने वकीलों की टीम थी उसको बदला गया है। अब नए वकीलों की जो टीम है वो नए प्लान के साथ पूरी तरीके से तैयार हो गई है, क्योंकि अतीक की तरफ से, अतीक के परिवार की तरफ से अब कोशिश ये की जा रही है कि अतीक अशरफ तो खत्म हो गए, लेकिन जो बाकी का परिवार है उसे अब किस तरीके से बचाया जाए, ये लगातार अब कोशिश अतीक के परिवार की तरफ से की जा रही है, शाइस्ता की तरफ से की जा रही है। और इसीलिए शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। मेरे सहयोगी विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, देखिए सबसे अहम बात यह है कि शाइस्ता कहाँ है ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जो सरेंडर की अटकलें हैं ये कितनी प्रबल हैं? क्या सरेंडर करना भी एक रास्ता हो सकता है शाइस्ता परवीन के पास? देखिए प्राची, इंडिया टीवी लगातार अपने दर्शकों को ये जानकारी पहले से ही लगातार दे रहा है कि शाइस्ता परवीन के प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी के जो कछार के इलाके हैं, यानी कि गंगा तट के इलाके हैं, वहाँ पर होने की खबर पुख्ता तौर पर सामने आ रही है। और इसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि अतीक अहमद के जो करीबी लोग अभी भी लगातार टच में हैं शाइस्ता परवीन के, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि नई वकीलों की टीम के जरिए आज, यानी कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, और आज के दिन ही प्रयागराज कोर्ट में ले जा करके शाइस्ता परवीन को सरेंडर करा दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से एजेंसीज पीछे पड़ी हुई हैं, जिस तरीके से यूपीएसटीएफ लगातार इस लोकेशन को ट्रेस कर रही है, पता ये भी चल रहा है कि अतीक अहमद के जो पुराने वकील हैं वो सभी की जानकारी में हैं, सभी की नज़र में हैं, उनके फ़ोन भी सर्विलांस में लगे हुए हैं। यही वजह है कि लखनऊ से लेकर के प्रयागराज तक वकील की नई टीम तैयार की गई है, और इस रणनीति के साथ तैयार की गई है कि आज किसी भी हाल में शाइस्ता परवीन को प्रयागराज की कोर्ट में सरेंडर कराया जा सके, और जो कानून की अगली इनिंग है निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि सभी चाहते हैं कि शाइस्ता परवीन सामने आएगी तो निश्चित तौर पर राज उगलेंगे, और अतीक की जो नई टीम है वकीलों की, वो भी ये चाहती है कि सरेंडर करा करके कम से कम जो लगातार लुका छुपी का खेल है ये खत्म हो सके। और वो चाहते हैं कि जैसे जैसे शाइस्ता परवीन के सरेंडर की जो समय है वो नज़दीक आएगा, वकीलों की भी जो धड़कने हैं वो भी बढ़ी हुई है। यही वजह है कि यूपीएसटीएफ की टीमें, लोकल इंटेलिजेंस की टीमें और जो पुलिस की टीमें हैं वो प्रयागराज कोर्ट के आसपास सादी वर्दी में तैनात कर दी गई हैं। लेकिन इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि नई वकीलों की फौज की टीम के साथ शाइस्ता परवीन आज प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। और ये बहुत ही विश्वसनीय जानकारी हमको जो यूपीएसटीएफ और यूपी पुलिस के सोर्सेज हैं उनके जरिए मिली है कि नई टीम के जरिए शाइस्ता परवीन आज प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। तो ये बड़ी जानकारी है इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए, जो सब जानना चाह रहे थे कि शाइस्ता परवीन कहां है। शाइस्ता परवीन फरार हुई, शाइस्ता परवीन का पूरा जो परिवार है वो भी फरार हुआ, उसकी तस्वीरें भी इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को दिखाई थी। ऐसे में विशाल, देखना ये दिलचस्प होगा कि शाइस्ता आज सरेंडर करती है या नहीं करती है, क्योंकि अटकलें तो फिलहाल तेज हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।